कार्ड किसने कह दिया है कि शो लॉकअप तो जीत गए लेकिन मुनव्वर फारी खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 नहीं जीत पाएंगे। आखिरकार ये शॉकिंग स्टेटमेंट किसने दिया है, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। बल खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के लिए सभी 13 कंटेस्टेंट हैं बेहद ही ज़्यादा एक्साइटेड, जहाँ की लॉन्च पार्टी के दौरान भी सभी ने एक दूसरे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंटरेक्शन भी कर चुके हैं। वेल, इस दौरान आपको बता दूँ कि मुनव्वर फारीक जो कि शो लॉकअप के विनर रहे हैं, वहीं शो लॉकअप को लेकर अब मुनव्वर फारीक के फैंस जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं और कुछ ट्रोलर्स, कुछ हेटर्स ऐसे हैं जो कि मुनव्वर फारीक को लेकर बैड कमेंट्स भी कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ फैंस का ये कहना है कि मुनव्वर फारीक एंटरटेन तो करेंगे ही, साथ ही साथ शो लॉकअप की ट्रॉफी के बाद खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की ट्रॉफी भी डोगरी लेकर आएंगे। लेकिन वहीं फैंस का दो पैमाना होता है, जहाँ एक हेटर्स होते हैं तो वहीं लवर्स भी होते हैं, और जहाँ फैंस होते हैं वहाँ ट्रोलर्स भी होते हैं। वह मुनव्वर फारीक के ट्रोलर्स का कहना है कि मुनव्वर फारीक एंटरटेन तो कर सकते हैं लेकिन कभी भी वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की ट्रॉफी डोंगी नहीं ला पाएंगे। वह फैंस का ये मानना है कि मुनव्वर फारीक से बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन कंटेस्टेंट शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का हिस्सा होने वाले हैं, जिसके बाद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मुनव्वर फारीक फॉर द श्योर खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे। वह आखिरकार आपको क्या लगता है, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं मुनव्वर फारीक से डोंगरी में एक और खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की ट्रॉफी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।